गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का सुस्वागतम है। आज मैं आपके साथ फिर ग्रेट क्रीम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये लैक्मी में आता है। आप सभी ने इसे यूज भी किया होगा, लेकिन मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया तो सोचा क्यों ना आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करना तो बनता है। तो ये क्रीम आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह ही मिल जाएगी। तो ये क्रीम है जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका नाम लैक्मी एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग ग्रेट क्रीम विथ सनस्क्रीन है। इसमें ये क्लेम किया गया है कि इसमें सनस्क्रीन मौजूद है, लेकिन इसमें लिखा नहीं गया इसमें एसपीएफ 30 मौजूद है, 15 मौजूद है या फिर 50 मौजूद है। तो इसमें देना चाहिए था कि इसमें एसपीएफ कितना मौजूद है, वो नहीं दिया गया है। और इसके कार्डबोर्ड पे ये भी नहीं लिखा गया है कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन से मौजूद है। बस हाँ, इसमें ये सारी चीजें लिखी गई है आपके स्किन को ये सन डैमेज होने से, जो सन की जो रेस रहती है आपके स्किन पे आती है, तो उससे ये प्रोटेक्ट दिलाता है। अगर आपको ये क्रीम लगाते टाइम अगर आपकी आंखों में आ जाती है तो आपको जल्दी से जल्दी वाटर से वॉश करना होगा, और आपको इसे लगाते टाइम जेंटली मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में लगाना है। और इसमें ये भी लिखा गया है डे टाइम में इसे लगाना है तो सीरम प्लस डे क्रीम लगाना है, और नाइट टाइम में लगाना है तो नाइट क्रीम लगाना है। तो यार, मैंने तो सीरम परचेज नहीं किया है, सिर्फ ये डे क्रीम यूज परचेज किया है यूज करने के पर्पज से। और इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। ये 15 ग्राम में आता है, इसका प्राइस 125 है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसे ऑफलाइन परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट तो नहीं मिलता है। तो बस ये ऐसे कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आता है, तो देख सकते हैं इसे मैंने ओपन कर लिया। ये कुछ ऐसे आएगा, ये इतने छोटू सा आएगा, 15 ग्राम का है। इसके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जो आपको मैं बताऊं। इसकी जो लाइफ टाइम रहती है वो 2 ईयर की रहती है। जैसे इसका 9/2018 मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 8/2020 इसका एक्सपायरी डेट है। और इसकी मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं तो लैक्मी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ना, इसका फ्रेग्रेंस सेम टू सेम वैसे ही आता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो पहले मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग क्रीम जितना लगाते हो कम या ज़्यादा उतना निकाल लो। उसके बाद आप अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगाना, और क्रीम लगाने से पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है और डॉट डॉट करते हुए आपको नेक एंड फेस पे लगाना है। उसके बाद आप अपने हाथों से ही इसे इजीली ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि यार ये डे क्रीम है तो इसे हमें ब्लेंडर से ब्लेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने हाथों से ही कर सकते हैं। तो ये क्रीम लगाने के बाद मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं मिला है, आप खुद देख सकते हो, और मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखा रही हूँ, आप दोनों में ही अंतर देख सकते हो, बिल्कुल भी ज़्यादा कवरेज हमें नहीं मिला है। तो ये क्रीम ओके सा लगा है, ज़्यादा कवरेज बिल्कुल भी नहीं देता है। मैंने इस क्रीम को लगा लिया है, अभी नहीं लगाया हुआ है, मैंने आपको लगा के दिखाया उस टाइम, और अभी मैंने फेस के ऊपर पाउडर भी लगा लिया है, तो थोड़ा ज्यादा क्लीन आपको लग रहा होगा मेरा फेस। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊं, इसमें जो है इस क्रीम को लगाने से एक्स्ट्रा कवरेज हमें नहीं मिलता है। जैसे लैक्मी की और भी क्रीम है जिसे हम लगाते हैं तो एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाता है, इसे मैंने जब लगाया तो मुझे एक्स्ट्रा कवरेज नहीं मिला। और मेरी ड्राई स्किन है, तो मेरी ड्राई स्किन है, मैंने इसे लगाया था तो पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया था, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लोशन भी लगाया था। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कभी भी कोई भी क्रीम लगाए तो पहले मॉइस्चराइज करें, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद आप जो क्रीम यूज करते हैं वो लगाएं। तो वैसे इस पे लिखा गया है कि इसमें सनस्क्रीन मौजूद है, लेकिन इसमें कितना एसपीएफ दिया गया है वो हमें नहीं पता है, इसलिए इसे अप्लाई करने से पहले हमें सनस्क्रीन लोशन को लगाना कंपलसरी है। तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सही है, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे इसे लगाने के बाद ऐसा लगा थोड़ा ड्राई सा मेरा फेस हो गया है। जैसे कि अब हम कोई भी, जैसे मैंने मॉइस्चराइज भी किया था, उसके बाद मैंने सन लोशन भी लगाया था, उसके बाद मैंने ये क्रीम अप्लाई किया,
तो ये जल्दी से मेरे स्किन में ऑब्जर्व हो गया और एकदम एकदम ड्राई सा मेरा फेस लगने लगा। आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगा, ज्यादा भी नहीं लगा, हल्का सा लगा। अगर सोचो मैं अपने स्किन पे मॉइस्चराइज क्रीम नहीं लगाई रहती और डायरेक्ट इस क्रीम को अगर अप्लाई करती रहती तो मेरी स्किन कितनी पैची पैची सी लगती। तो इसलिए मेरे ख्याल से ड्राई स्किन के लिए नहीं है, नॉर्मल स्किन के लिए सही है, लेकिन इसे लगाओगे तो एक्स्ट्रा कवरेज नहीं मिलेगा, ओके सा आपको मिलेगा, क्योंकि और क्रीम हम लगाते हैं तो एक्स्ट्रा कवरेज हमें मिल जाता है। तो ये क्रीम मैंने लगाया तो मुझे 50-50 लगा, मुझे उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कवरेज हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी डे क्रीम के अकॉर्डिंग ठीक है। और इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सही है। ड्राई स्किन वाले अगर आप लगाते हो तो पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना तो कंपलसरी है, उसी के बाद आप इसे लगा सकते हो। तो होप सो दोस्तों मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।